आपको दिखाऊं, इतनी तेज वाली बारिश हो रही है और हमारे पास तो छाता भी नहीं है, अब आगे कैसे जाएंगे। वेलकम टू माई चैनल ग्लैम विद प्राची, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी रात के 9 बजने वाले हैं और मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले नहा करके आई हूँ। दोबारा से मैंने हेयर वॉश करके नहाया हुआ है क्योंकि बालों में ना मैंने ऑयलिंग करी हुई थी। तो आज मैं गिर जाता, आज हम लोग को घर निकलना है तो हमारी 11 बजे की ट्रेन है यहाँ से, 10:30 बजे हम लोग घर से निकल लेंगे। तो अभी चलते हैं, डिनर कर लेते हैं और इसके बाद रेडी क्या होना है, मैंने पहन ही लिया है, ये नीचे ट्राउज़र पहना है और ये कुर्ती, और फिर इसके बाद अभी चलते हैं। और बाकी साड़ी मैंने एक डाल ली है छोटे से बैग में, तो उसको मैं चेंज कर लूँगी ट्रेन में कल, क्योंकि अभी हम लोग को ना ऊपर वाली सीट इस बार मिल गई है, तो इसकी वजह से ना मुझे ऐसे थोड़ा सा ना कंफर्टेबल वाला कपड़ा पहनना पड़ रहा है, क्योंकि साड़ी में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी लखनऊ से तो फिर खाली हो जाएगा, बट इस बारी यहाँ से फर्स्ट टाइम हम लोग मुरादाबाद से जा रहे हैं और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हम लोग के साथ, ऊपर वाली सीट मिल गई है, बट ठीक है, जाके सोना ही है तो कहीं भी सो जाओ, ऊपर सो जाओ नीचे सो जाओ। आपको दिखा दो, मैंने थाली में इकट्ठे दही डाल लिया है और साथ में है आलू का पराठा, तो मुझे लगा कौन अलग अलग डाले, ऐसे ही दही डाल करके और पराठे ले लेते हैं, तो खाते हैं अभी और इसके बाद फिर जो थोड़े बहुत पैकिंग करने को है उसको कर लेते हैं और निकलेंगे हम लोग फिर यहाँ से। तो अभी मैं घी को छान करके रख रही हूँ, आज मैंने मलाई से घी निकाला हुआ था क्योंकि दो दो कटोरियों में मलाई इकट्ठे हो गई थी और हमें चले जाना है, तो मुझे ऐसा है ना कि मैं तो रहूँगी ना काफ़ी दिन तक, 10 दिन तक, तो तब तक मलाई पूरी सड़ जाएगी, तो ऐसा था कि चलो जाते जाते ये वाला काम कर लें, वरना फिर बहुत बुरा लगता है जब मलाई वगैरह ख़राब हो जाती है। और अच्छा खासा क्वान्टिटी में घी भी निकल आया था और ये सारी चीज़ें ये रहेंगी भी तब भी ये वाली चीज़ें तो होती नहीं हैं, तो फिर मुझे ही ऐसे टाइप की चीज़ें करके पड़ता है। खाना हम लोग का हो गया है, जितने बर्तन एक्स्ट्रा निकले हैं खाने पीने के उन सबको मैं धुल करके रख देती हूँ, किचन पूरा क्लीन कर देती हूँ ताकि जब ये आएंगे ना तो साफ़ सुथरा रहे, वरना फिर 2-3 दिन में ही इतना ज़्यादा किचन गंदा हो जाता है अगर आप साफ़ करके नहीं जाओ। तो फिर मैं सोचा चलो जल्दी जल्दी पहले ये काम निपटा लेते हैं, फिर इसके बाद मैं रेडी होती हूँ। रेडी हो गए हैं और चलते हैं, अभी 11 बजने वाला है तो अभी पहुंच जाएंगे हम लोग, 15-20 मिनट में स्टेशन में पहुंच जाएंगे और 11:30 बजे तक ही, क्योंकि ट्रेन लेट थी, बहुत देर तक हम देख रहे थे ना, लोकेशन चेक कर रहे थे, हापुड़ में बहुत देर तक रुकी हुई थी, तो इस वजह से अब बिना काजल के आंखें कैसी सूनी सूनी सी लग रही है ना, तो कुछ लोगों को ऐसी सूनी आंखें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को काजल वाली अच्छी लगती हैं, तो मुझे ज़्यादा काजल वाली आंखें ही अच्छी लगती हैं। तो हापुड़ में बहुत देर तक ट्रेन रुकी हुई थी, इस वजह से लेट हो गई। वैसे तो टाइम इसका 11 बजे का है लेकिन 11:30 बज जाएगा यहाँ आते आते, चलते हैं। मैंने ना इसमें ही उदयन के कपड़े वगैरह और अपनी एक साड़ी सब डाल लिया है जो मुझे कल साड़ी डालना होगा, और अभी जो उदयन को मैं नाइट सूट वगैरह पहनाऊंगी वो सब मैंने इसमें ही डाला है। फिलहाल लाइट वगैरह बंद करते हैं और चलते हैं, तो अभी से अब हम लोग का सफ़र ऐसे ही रहा करेगा रात में 11 बजे 11:30 बजे। चलो बैठो, जाओ जाओ बैठो। मजा आए, इनकी खुशी देखो। चलो पापा के साथ बैठो, चलो पापा के पास जाओ, खुशी देखो इनकी। फिर ट्रेन में तुमको नहीं बैठाएंगे हम लोग, बैठाओ इनको। आ रही है।
11:30 होने वाला है ना। उदयन की अब सोने का टाइम हो गया, उसको नींद आ रही है। जैसे ही हम लोग ट्रेन में बैठेंगे सो जाएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह के 8 बज रहे हैं। हम लोग ऊंचाहार पहुंच गए हैं और ऊंचाहार से कुंडा पहुंचने में 1 घंटा लगेगा अभी। और रात में इतना लेट में ट्रेन आई थी ना 11:30 बजे के बाद, कि हम लोग फिर ट्रेन के अंदर आते ही बस अपना बिस्तर लगा करके तुरंत सो गए थे। सारी लाइट वगैरह सब ऑफ थी तो फिर कुछ सूट करने का सवाल ही नहीं है। और इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना, सुबह में जैसे ही सो करके उठी बहुत प्यारा सा मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है और बहुत ही अच्छा मौसम है। मन कर रहा था ना बस मैं खिड़की से बाहर ही देखे जाऊँ। उदयन अभी भी सो रहे हैं तो हम लोग मौसम के मज़े ले रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं। और ट्रेन में ना ये बहुत मुझे मज़ा आता है, बाहर के इतने सारे नज़ारे मिलते हैं कि आप आराम से घंटे 2 घंटे बैठे बैठे बाहर के नज़ारे लेते रहो। हाँ, बारिश की छींटे हैं ना। तो गाइस आपको दिखाऊं बाहर का व्यू, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, पूरा बारिश वाला मौसम है। और हम लोग ऊंचाहार से निकल लिए हैं। और दूर से आपको दिखाऊं पानी की छींटे हैं ना इसमें कांच में, इसी वजह से इतना ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा। तो गाइस अभी मैंने साड़ी डाल लिया है क्योंकि अब घर हम लोग पहुंचने वाले हैं 15-20 मिनट में। तो अपने बहू वाले गेटअप में मैं आ गई हूँ। खुशी देखो, रात में तो कल देख नहीं पाया बेचारा, 11:30 बजे बैठा, तुरंत लाइट बंद ही थी, सो गए। इतना जा बेटा थोड़े से मजे ले लो तुम ट्रेन वाले, रात में तो ट्रेन के मजे ही नहीं ले पाया। मेरा फोन लेकर के मुझे देखते रहते ना, हाय गाइस कैसे हो, ठीक है, बाय 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 बाय। देखो आराम कर रहे हैं। तो अभी मानिकपुर में ट्रेन खड़ी हो गई है, तो यहाँ ट्रेन कैसे ही रहता है, बिना बात के ही खड़ी होती रहती है बीच बीच में। और रात में ना नींद इतनी प्रॉपर, देखो मेरी आंखें ही बता रही होंगी आपको कितना ज़्यादा आंखों में स्वेलिंग सी भी है, कितनी रेड रेड सी लग रही है मेरी आंखें। नींद नहीं पूरी हो पाई है क्योंकि बीच बीच में फुल फुल भी जा रही थी। और अब खड़ी है मानिकपुर में, तो बीच बीच में खुल कर भी जा रही थी। सुबह जिनका स्टॉपेज था वो स्टॉपेज कर रही हूँ, सॉरी, जिनको लखनऊ में उतरना था, यहाँ इस बार हम लोग को 4 वाला मिला हुआ था ना, तो जिनको लखनऊ में उतरना था वो सुबह सुबह 5 बजे इतना ज़्यादा शोर शराबा मचाए ना कि फिर आँख खुल गई हम लोग की। और आँख लगते लगते फिर बहुत टाइम लगा, इसी वजह से आँखों का ये हाल हो रखा है। क्या हुआ उदयन, उदयन को देखो, अब वो थोड़ा सा ट्रेन के मज़े ले रहा है। लगा के
तो दिखाओ इतनी तेज वाली बारिश हो रही है और हमारे पास तो छाता भी नहीं है, अब आगे कैसे जाएंगे। इधर पे आपको दिखाऊं, ये मौसम कितना अच्छा हो गया है। पहुंच गए हैं, बारिश बहुत ही जोरों वाली हो रही है। मुझे मजा आया, मुझे इनको तो खूब मजा आया है। उसको पानी भी दिख गया और उसकी सारी पसंदीदा चीजें दिख गई। यहाँ से मिक्सर में पल्ला भी ले लेते हैं। वो देखो, वो चाचू आ गए। चाचू को देखो, वो चाचू आ गए। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है।